मैं डॉक्टर अजय लेखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, पेशे से मैं फिजिशियन हूँ। मैं लोकमत में आपकी सेहत आपके हाथ कैंपेन का सपोर्ट करता हूँ। आज मैं आपको एक जो कि टॉपिक है अनीमिया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे, जिसका थीम है यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल। इस अनीमिया के कारण आज हमारे देश में, आप ये आंकड़े चौंकने नहीं हैं, 75% से 80% पब्लिक जो है अनीमिया से ग्रसित है। ना ही इसके अंदर कोई जात आता है और ना ही इसमें बच्चा आता है, ना ही इसके अंदर बुजुर्ग आता है, ना ही इसके अंदर कोई फर्क इस पे पड़ता है। बच्चे भी उतने ही ग्रसित हैं जितनी महिलाएं ग्रसित हैं, बुजुर्ग उतने ही ग्रसित हैं जितने की एडल्ट ग्रसित हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आया कि आज ये समस्या हमारे अंदर इतनी गंभीर है जिसका कि हम लोग दौर नहीं करते, ध्यान नहीं करते। ये इसका कारण जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है कि लाइफस्टाइल। यह अनीमिया बड़े घर में भी पाया जाता है और ये छोटे घर में भी पाया जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ? एक जगह पे हमारे को पोषण की कमी, एक जगह पे हमारी लाइफस्टाइल। आज आप देखें कि लाइफस्टाइल के अंदर जो बड़े घर के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे हैं, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बुजुर्ग है, अगर उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से नीचे होता है तो हम उसको एनीमिक कहते हैं। अब आई बात इसकी, इसको भी हमने तीन भागों में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया। माइल्ड हम कहते हैं कि जिसका हीमोग्लोबिन 9 से लेके 10 ग्राम के आसपास होता है, तो उसको हम माइल्ड एनीमिक कहते हैं। मॉडरेट 8 ग्राम से लेके 9 ग्राम 10 ग्राम तक जिनका होता है। सीवियर एनीमिया, जिसका भी हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम होता है, उसको हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। अब बात आई कि ये क्या हो, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है हमारे शक्ति में, शरीर के अंदर। हम कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल के कारण। हीमोग्लोबिन वो पदार्थ है जो कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को देता है, और ये ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में भी जाती है, हमारे हार्ट में भी जाती है, हमारे शरीर में भी जाती है। तो आप कहेंगे कि इस हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन जाने से हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जिस भी बच्चे में या महिला में या बुजुर्ग में या एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, सबसे पहला लक्षण उसका, वो बच्चा थका थका सा रहता है, उस बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है, और अन्य बीमारियां उस बच्चे को और बुजुर्ग को या उस महिला को तुरंत पकड़ती है।